अस्सलाम वालेकुम, मैं मंजूर बख्तिस्तानी और इस टाइम मैं लाहौर में हूँ और मेरे किडनी में थोड़ा स्टोन का इशू था। उसको रिमूव करने के लिए मैंने PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट में वो एडमिट हुआ था मैं कल। मुझे अकेला उन्होंने रूम दिया, साथ में वॉशरूम भी है, अगर बोर होते हैं तो आप टीवी देख सकते हैं। ये यूनिफॉर्म दिया गया मेरे लिए, ये मंजूर हुसैन। यूनिफॉर्म चेंज करने से पहले वह अब बन गए प्रोफेसर की तरह, लेकिन प्रोफेसर नहीं हूँ, मरीज हूँ मैं, मरीज। ये देखिए अब ड्रेस चेंज हो गया, अब चलते हैं रूम की तरफ। ये खोल दिया, किडनी स्टोन रिमूव करना है मेरे किडनी में एक स्टोन निकला, पता नहीं स्टोन रिमूव करने के बाद मैं सोच रहा हूँ क्रश प्लान खोल लूँ मैं, 20 mm का स्टोन है। और मेरा खाना आ गया मंजूर हुसैन। ये क्या है, वाओ, और ये क्या हो सकते हैं, वाओ, इट्स आई थिंक सीवीड है, और ये व्हाट अ ब्यूटीफुल है। क्या बात है, मरीजों को ऐसे ट्रीटमेंट करें ना तो मुर्दे भी जाके जिंदा हो जाए, क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पे आके मुझे फील ही नहीं हुआ, किस्म बाप होता है कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर पे हूँ या हॉस्पिटल पे हूँ। यहाँ के जो अमले हैं, यहाँ पे जो सफाई है, यहाँ पे जो सिस्टम है, विद इन 1 मिनट 1 सेकंड आपको हर चीज़ क्लियर करने करके आपको पहुँचाते हैं, आपको इतला देते हैं कि होने से पहले आपकी सांस का जो प्रैक्टिस है वो करते रहें। तो ये मैं इसमें म्यूजिक ढूंढ रहा हूँ। तो ये बड़े बेहतरीन सेटअप है हर चीज़ यार, मैं दुआ करता हूँ कि मजीद ऐसे इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में कायम किया जाए, ताकि हमारे इस कौम के लिए कोई टेंशन ना हो, कोई इशू ना हो, कोई परेशानी ना हो। लिटरली मुझे कोई परेशानी नहीं हुआ, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे पाकिस्तानियों को जो इनमें काम करते हैं, इनको अपने गर्व समझते हैं इस हॉस्पिटल को। तो वेल एंड गुड, मजीद आप देखते रहें कि मैंने क्या क्या यहाँ पे किया, क्या क्या प्रैक्टिस किया, और दुआ में याद रखें, शुक्रिया। अभी हम जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर, चलना है फिर, मैंने खुद चलना है, आपने चलाना है, स्टार्ट करें ना आप, चलें फिर इतना हो जाऊंगा फिर। अच्छा वो देख लें कर सीट उसके ठीक है सर। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सुकून से फारिग होकर ऑपरेशन थिएटर से अभी पहुंचा हूं और अभी होश में आया, तकरीबन 3-4 घंटे के बाद होश में आए, तो थोड़ा अभी भी अनस्टेबल है। और हमारे साथ जो डॉक्टर एहसान इलाही बैठे हुए हैं वो हमारे खपुली से, जहनी जो आपके पेन होता है वो आज किल कर दिया। PKLI के हॉस्पिटल वाले उनको सलाम पेश करता हूँ। PKLI लाहौर में जो हॉस्पिटल है, क्या कमाल हॉस्पिटल है, आज सारे चीज़ें कंप्लीट हो के मुझे पेन तक नहीं हुआ, मुझे पेन फील नहीं हो रहा है अभी, मैं रिलैक्स हूँ। और मैं शुक्र अदा करता हूँ उस मौला का जहाँ पे मुझे पहुँचाना था पहुँचा के मुझे ईजी हो के हर चीज़ कम्प्लीट होने में मदद की, तो थैंक गॉड और इस हॉस्पिटल के अमले का शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं तो पहाड़ी इलाके से आके लाहौर में आया हूँ, तो यहाँ पे भी एक हमारे स्कर्दू के एक डॉक्टर शराफत अली यहाँ पे 3-4 महीने से काम कर रहे हैं और इसने गाइड किया मुझे, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में या घर में। तो शराफत भाई कुछ आप भी इस हॉस्पिटल के बारे में आप बताएं, ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह मंजूर भाई, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू। तो इंशाल्लाह आपका ट्रीटमेंट बेहतरीन होगा, अभी आप ओटी में भी जाने वाले हैं। जी जी। बाकी PKLI तो माशाल्लाह तकरीबन 5-6 साल हो गए जो, तो कुछ अरसा ये जो है ना डाउनफॉल का शिकार रहा है, क्योंकि ये अदालत में कुछ इसके इशू चल रहा है। अभी माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है, जो ट्रांसप्लांट इसके जा रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, और अभी यूरोलॉजी के जो बेहतरीन इसका जा रहा है जो सर।
सेटअप तो आपने मेरे ख्याल में देख लिया होगा सारी चीजें, पूरा देख लिया जो फैसिलिटीज है, स्टाफ है, डॉक्टर्स की जो अप्रोच है तो आपने देख लिया होंगे, पूरा यूरोप स्टैंडर्ड के मुझे फील हो। इसमें जो है ना जो गरीबों के लिए फाइनेंशियल स्क्रीन उन्होंने रखा हुआ है, जो अमीर लोग आते हैं उनसे पैसे लेते हैं उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस की पूरा डेटा निकालते हैं, और जो गरीब है उनके लिए उसके फाइनेंशियल उसके हिसाब से फ्री करते हैं। तो ये इसका सेटअप है जो बेसिकली। तो बाकी ये है कि यूरोलॉजी का तकरीबन सारे प्रोसीजर जो पाकिस्तान में नहीं भी हो रहा वो माशाल्लाह से यहाँ हो रहे हैं बेहतरीन। तो इंशाल्लाह आपका जो है ना जो किडनी का जो है इशू है थोड़ी सी कुतरी उसको हम जो है ना निकाल के तोड़ फोड़ के हम निकाल लेंगे, लेकिन जो निकाल के रखेंगे वो मुझे देंगे, मैं क्रश प्लान लगा रहा हूं वो आपको देंगे, वो आपको देंगे, वो सुना है बड़ा कीमती भी होता है, बहुत कीमती उसको उसका होता भी है, उसको लेबोरेटरी में भी देना होता है, एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के लिए देना होता है, तो वो आपको ही देंगे जी, वो जो कीमती पत्थर है आपको ही देंगे, कीमती पत्थर जो। अब ऑपरेशन के बाद जो खाना मिलता है यहाँ पे वो जरा चेक करते हैं, इसको हटाते हैं, देसी तरीके से खाते हैं, हॉस्पिटल में भी डाइट फूड देते हैं वो, ये सालन है और ये चावल है, ये हॉस्पिटल वाले खुद बना के ले आते हैं। तो देखेंगे डाइट रेगुलर और कौरमा चपाती स्वीट, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात इधर है, प्लीज़ ऑन रिक्वेस्ट 10 PM टीम लीग 1 कप, मतलब 10 बजे आप रिक्वेस्ट करें तो आपको 1 कप चाय भी मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ का यहाँ ख्याल रखा गया है। तो अभी आज इंशाल्लाह डिस्चार्ज होगा मैं, और नाश्ता भी पहुँचा है, और देखें बेड के जो सिस्टम है ये प्रेस करने से बेड ऊपर आ जाता है, देखें ये ऊपर आ रहे 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 आ गया आ गया, और मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, सहारा चाहिए आपको? नहीं नहीं अभी आज ठीक, आज डिस्चार्ज भी नहीं छो। ओके तो हॉस्पिटल में जो नाश्ते मिलते हैं, पहले तो एक अंडा है वो भी इसकी जर्दी निकाला हुआ है, सिर्फ सफेदी है इसकी, अबे ये प्लास्टिक की उससे टूटेगा नहीं टूटेगा, वाह टूट गया। लिटरली पाकिस्तान में इस तरह स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। PKLI जो हॉस्पिटल है लाहौर में, उसमें ऐसे ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं जो बाहरी मुल्कों में काम करके आए हुए हैं, उनकी मरहूम मिन्नत है कि उन्होंने 2 दिन में मुझे अपने पैरों पे खड़े होने की एनर्जी फिर से बहाल की उन्होंने, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ उस रब का, और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इन जैसे मुअज़्ज़ज़ और मेहनतकश डॉक्टर की खिदमत हासिल हुई, और मैंने स्कर्दू में भी ट्राई किया था जो किडनी स्टोन है उसको रिमूव कर लूँ, वहाँ पे मेरे दिल नहीं चाह, फिर आपके इस्लामाबाद में भी मैंने ट्राई किया, लेकिन आपके जो रब ने आपके साथ जो लिखा होता है, आपके लिए जो प्लानिंग किया हुआ है वो बेस्ट होता है सबसे, तो मुझे आखिर में जाके लाहौर में PKLI जो हॉस्पिटल है उसमें मौका मिला ये ऑपरेट करने का, और मैं बिल्कुल सही सलामत हो गया 2 दिन में, आज मैं बिल्कुल पहले की तरह हो गया हूँ, वेल एंड गुड, मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ उस रब का जिसने मुझे फिर से पहले की तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त किया, आज मैं फारिग होकर जा रहा हूँ। तो आप लोग कोई ख्याल रखें, नमक ज़्यादा यूज़ ना करें, हाई लेवल पर नमक यूज़ ना करें, बहुत ही कम, और आयरन वाली चीज़ें खाएं लेकिन बहुत कम मेदार पे, और ड्राई फ्रूट भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, बहुत कम लिमिट में खाएं। दूसरा ग्रीन जो होते हैं सब्जी, टमाटर पालक, इनको भी खाएं बेशक लेकिन कम खाएं। हम लोग खाते हैं 10 दाने खाने की जगह आप लोग 3 दाने खाएं, आपके कैलरीज आपके लिए बराबर होगा। तो ख्याल रखें अपने सेहत का, सेहत है तो ये जहाँ है, आज मैं खुश हूँ और मैं दूसरी दुनिया को देख रहा हूँ, देखो बाहर देखें, आज मैंने जाना है बाहर की दुनिया में। थैंक यू। कलंग नहीं हजारों में किसी को तकदीर ऐसे जो चाहे। उन्होंने मुझे फॉर्म दिया है डिस्चार्ज होने के लिए,
तो इस पे लिखे हुए खाने की बरसामी माहौल, मेरे मतलब आपकी मेरे कीमती जो राय है हॉस्पिटल के बारे में कैसा रहा, तो मैं यहाँ पे सब एक्सलेंट 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 करता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जितने भी चीज़ें जितने भी माहौल उन्होंने हमें दिया वो बेहतरीन एंड वेल एंड गुड था, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड माहौल, बहुत बेहतरीन एक्सलेंट। प्लेन और लॉन्ड्री एक्सलेंट। अखराज ऑफिस एक्सलेंट। पेशेंट नेम, थैंक यू फॉर योर वेरी गुड वेलकम। पेशेंट नेम एम ए एन जेड वर और मंजूर एच यू डबल एस। जिस तरह मैं आया था उसी तरह ठीक होके जा रहा हूँ, कुछ चीज राहत नहीं। ये तकिए यहाँ पे रख लेंगे, और ये भी मेरा जो उन्होंने दिया था शॉप, जिस तरह मैं आया था मैं उसी तरह जा रहा हूँ। अलमारी भी देख लें, सब कुछ ठीक है, तो अभी जा रहे हैं मैं इस रूम को छोड़ के जा रहा हूँ। पी के एल आई से फारिग होकर जा रहे हैं, वेल एंड गुड, लॉन्ग लाइफ पी के एल आई, हमेशा सलामत है, गुड।